नमस्कार, मैं हूं चित्रांगी शर्मा और आज हमारे साथ है फेमस एजुकेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एवं यूथ लीडर डॉक्टर संजय बियानी। सर, मैं आपका वेलकम करती हूं, आपका स्वागत करती हूं। वेलकम सर। सर, जैसा कि आप जानते हैं, स्टूडेंट्स के लिए 12th पास करने के बाद का टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। उन लोगों को बहुत सी टेंशन्स होती है, पर उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता कि वो अपने लिए सही डिसीजन ले पाए। हम में से कई लोग तो 12th के बाद लिए गए गलत डिसीजन की वजह से पूरी जिंदगी एक गलत प्रोफेशन, एक गलत जॉब को परसू करते रहते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट डिसीजन? किस तरह से स्टूडेंट्स 12th के बाद अपने करियर के बारे में सही डिसीजन ले? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो मुझे लगता है कि फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, फ्रॉम द बर्थ, स्टूडेंट अपनी डिफरेंट हैबिट से, डिफरेंट लाइकिंग से अपने पेरेंट्स को बताता है अपना एप्टीट्यूड कैसा है उसका। जैसे आप देखेंगे, कुछ बच्चे हमेशा रोबोट से खेलेंगे, कुछ बच्चे जो है हमेशा म्यूजिक सुनेंगे, कुछ लोगों का म्यूजिक सुनते ही फोकस बन जाता है, कुछ लोग एक ही काम को रिपीटेडली करते रहते हैं। सो अगर पेरेंट बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत वाइज है तो वो इन एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, और अगर वो इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया और बच्चा ग्रो हो गया है और अब ये संभव नहीं है तो किसी एक्सपर्ट के पास जाया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अपने 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 पैशन को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मुझे लगता है कि आफ्टर 12th दिस इज़ द राइट टाइम। जब बच्चा 16 से 18 साल तक पहुँच जाता है तो इस समय सबसे पहले तो ये मालूम करना चाहिए कि बच्चे का बेसिक एप्टीट्यूड कैसा है। सपोज़ उसमें क्रिएटिविटी है तो प्लीज़ उसे अकाउंटेंट ना बनाए। सपोज़ उसको प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल और मैथ्स में बहुत इंजॉय करता है तो प्लीज़ उसे फिर क्रिएटिविटी फील्ड में ना डालें। हम पहले ये जानें कि उसका बेसिक एप्टीट्यूड कैसा है। वो क्रिएटिव पर्सन है, वो लॉजिकल पर्सन है, वो इंटरेक्टिव पर्सनैलिटी है, ये सब जानना बेहद आवश्यक है। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई कोर्स सफलता की गारंटी नहीं है, कोई डिग्री सफलता की गारंटी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई जॉब सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता की गारंटी है आपका पैशन। अगर आपको किसी भी काम में मज़ा आता है तो समझ लेना वहीं आपकी सक्सेस है। इसलिए मेरा कहना है कि प्लीज़ डिग्री के पीछे ना जाएं हम लोग, किसी कोर्स के पीछे ना जाएं, किसी जॉब के पीछे ना जाएं, किसी पर्सन के पीछे ना जाए, बल्कि पहले अपने आप को जाने कि मैं किसके लिए हूँ। और इसके लिए मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि वो भी अपनी डिलीजेंस को यूज़ करें और किसी भी एक्सपर्ट से, जब 12th के बाद में बच्चा कहीं किसी कोर्स को ऑप्ट कर रहा है तो डिसीजन को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, उसके बारे में पूरा एनालिसिस किया जाए और उसके बाद उस कोर्स को ऑप्ट किया जाए। इस दुनिया में कोई भी कोर्स बुरा नहीं है, कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं है। बुरा है तो हमारी सोच, बुरे हैं तो हमारे गलत डिसीजंस। हमें सही डिसीजन लेना चाहिए, सही कोर्स का सिलेक्शन करना चाहिए, अपने एप्टीट्यूड को समझना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए और अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से भरना चाहिए ताकि हम दूसरों की लाइफ में भी हैप्पीनेस डाल सकें। अगर हम दूसरों को हैप्पी करेंगे तो हम लोग हैप्पीनेस से जुड़ेंगे। इट्स ए न्यूटन लॉ। वेरी ट्रू सर। तो ये थे हमारे साथ फेमस साइकोलॉजिकल काउंसलर डॉक्टर संजय बियानी, जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में ये इम्पोर्टेंस बता दी कि 12th के बाद किस तरह से एक स्टूडेंट अपना एप्टीट्यूड जाने, अपना पैशन जाने और उसके बाद ही सही करियर का चुनाव करे। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स वेरी मच।